सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक और स्वागत है आप सभी का केएस प्रीज की एक और नई वीडियो में। सो यार, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप टीडीएम वेयर हाउस से बाहर कैसे जा सकते हैं और हवा में कैसे उड़ सकते हैं। सो इसके लिए बेसिकली आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत होगी। सो सबसे पहले मैं अपने पार्टनर को भेज कर दिखाऊंगा। आपको अपने पार्टनर को कह देना कि वो यहाँ पर खड़ा हो जाए और अपना स्प्लिट लॉक कर दे, और ऊपर से अपना भी आपने स्प्लिट लॉक कर लेना है और जंप्स मारनी है अपने पार्टनर के ऊपर। सो यार, कुछ देर बाद मतलब एक दो ट्राइज लगेंगी आपको, और देख सकते हैं भूम गाइस, मेरा पार्टनर अब बाहर जा चुका है। सो आपको अपने पार्टनर को कह देना कि वहाँ जाकर वो जंप मारे, और देख सकते हैं मेरा पार्टनर जंप का बटन बार बार दबा रहा है और वो हवा में भी उड़ता जा रहा है। आप अपने पार्टनर को ऐसे मार भी सकते हो, मतलब जो आपका एनिमी होगा उससे उसको अपने मार भी सकते हो, मतलब एनिमी को, और एनिमी भी आपको मार सकता है बहुत ही आसानी से, है ना। सो ये ट्रिक मतलब सीज़न 14 में वर्क कर रही है, आगे पता नहीं करेगी नहीं करेगी। सीज़न 14 में ये ट्रिक वर्क है, आगे शायद पबजी से मतलब वो भी कर दे, लॉक कर दे ये ग्लिच, मतलब जो भी है। अब मैं आपको जाकर दिखाऊंगा बेसिकली आपको स्प्लिट, और देख सकते हैं भूंगा इस मैं बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पर आके आपको जंप का बटन दबाना है एक बार, और दबाते जाना है इसको बार बार जंप का बटन, और देख सकते हैं मैं हवा में उड़ रहा हूँ। लेकिन गाइस, आपको अपना जो ये जॉयस्टिक है वो मूव बिल्कुल नहीं करना। देख सकते हैं मैंने अपना जॉयस्टिक जो मूव किया था और मैं नीचे गिर गया था वापस। सो आपको सिंपली बस अपना जॉयस्टिक नॉर्मल पे रखना है और जंप का बटन दबाई जाना है, और एक वक्त आ जाएगा जब आपका जो करेक्टर है वो जंप कर देगा एकदम से। सो देख सकते हैं मेरे करेक्टर ने एकदम से जंप किया। सो यहाँ पर आने के बाद अब आप थोड़ा बहुत मूव भी कर सकते हैं, और अब जंप का बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप अपने एनिमी को मार भी सकते हैं, ये नहीं है आप ही अकेले मार सकते हैं, वो एनिमी भी आपको मार सकता है। Cover me. सो यार, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हुई कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज के लिए इतने वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।